कबीर दास जी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कपड़े बुना करते थे, तो एक तरफ कपड़े बुनते थे और एक तरफ दूसरी ओर जिह्वा से राम नाम लेते रहते। अब वस्त्र बुनते बुनते भगवान का नाम ले रहे। अब कोई पूछे जी ऐसे दो काम एक साथ कैसे हो सकते, बोले क्यों नहीं हो सकते, जब नाम जपने का अभ्यास हो जाता है ना और जब प्रेम हो जाता है तो भक्त राम नाम नहीं जपता, राम नाम भक्त को जपता है। जैसे एक कमल जहां होगा उसके मकरंद की खुशबू पाके भवरा उड़ता उड़ता कमल पर पहुंच जाएगा, वैसे जो शुद्ध चित्त होता है ना वहां भगवान राम का नाम स्वयं उड़ करके आ जाता है उसके चित्त में और उसकी जिह्वा पर बैठने। कहते भगवान का मन ललचाता है ऐसे भक्तों को देख के कि हम इनके पास पहुंच जाएं, हमारा नाम इनके पास पहुंच जाए। बाबा कबीर नाम लेते रहते थे और अपनी दुकान पे बैठे रहते। एक दिन इनकी दुकान पर एक संत आए, कपड़ा का काम इनका था ही, तो संत ने कहा कि महाराज हमको थोड़े कपड़े की थान की आवश्यकता है। तो कबीरदास जी ने जितना भी दुकान का थान था जितना उनके पास सब संत को दे दिया और सब संत को दे करके सोचा कि अगर इस कपड़े की बिक्री होती तो पूरे दिन यहाँ बैठना पड़ता, पर अच्छा हुआ ये संत आ गए, इनको भेंट में पूरा दे दिया, अब दुकान पे बैठना नहीं पड़ेगा, दुकान बंद करके कहीं जंगल में जा करके भजन करने लगे। अब भजन में इतने तल्लीन हो गए कि इनको याद ही नहीं घर में एक परिवार है, कबीरदास जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था, एक माँ थी, पिताजी का देहांत हो चुका था। अब घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, क्या खाएं, पूरा परिवार भूखा है, एक कमाने वाला सो गायब, पता नहीं कुछ उसका आता पता ही नहीं। अब जब करुणा निधान भगवान ने देखा कि कबीर का पूरा परिवार भूखा है, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ठाकुर स्वयं आज कबीर का रूप बना करके कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीर के घर ठाकुर जी पहुंचे और ऐसे ही नहीं खूब सारा माल लेकर के आज कबीर के घर प्रभु आए हैं। 500 बैलों पर बहुत सारा धन धान्य राशन सामग्री लेकर के आए और जब पहुंचे तो कबीर की मैया ने पूछा, रे ये सब सामान ये सब कहाँ से आया? तो बोले आज दुकान में खूब सारा सामान बिका है, उसके बदले मैं ये धन धान्य लाया हूँ। अब मैया ने वो सामान तो रख लिया, एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन के बाद कबीरदास जी घर लौट करके आए और जैसे कबीरदास जी घर आए देखा पूरे घर में चारों तरफ वस्तु सामग्री भरी हुई है। अब कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी घटनाक्रम पूछा तो पता चला कि ये सब तो मेरे ठाकुर का दिया हुआ है, उनका दिया है तो उनके जनों में सेवा में ही लगाना चाहिए। ये सोच के कबीरदास जी ने सारा जो संपत्ति सामान है सब साधुओं में लुटा दिया।